अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ घंटों के अंदर ही देश के 5 दुश्मनों को कर दिया ढेर। खुफिया इनपुट के बाद फोर्सेस ने एक इलाके में 3 आतंकियों को घेरा। तभी कुलगाम के गोपालपुरा से खबर आई कि वहां भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर एक साथ मोर्चा संभाला। पहले आतंकियों को सरेंडर का ऑफर दिया गया, जैसा कि हर बार होता है। बदले में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। और कुछ ही घंटों में दोनों जगहों पर देश के 5 दुश्मनों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिया ढेर। बॉम्बे कुलगाम, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया और उनके इरादों को नेस्तनाबूद किया गया, वहीं कुलगाम का ही दूसरा इलाका गोपालपुरा, वहां पर भी जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 आतंकियों को यहां पर किया गया ढेर। बॉम्बे की है, जहां 2 आतंकी मारे गए, जबकि दूसरी तस्वीर बॉम्बे से कुछ ही दूरी पर गोपालपुरा की है। सुरक्षा बलों ने देश के 3 दुश्मनों को मार गिराया। हालांकि दोनों ही जगहों पर आतंकियों को सरेंडर का ऑफर दिया गया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आज दिन में एसपी कुलगांव को खबर मिला था कि गोपालपुरा पौमे में 2 गांव में टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई तो टेररिस्ट ने अंदर से फायर किया, फिर इनकाउंटर में तब्दील हो गया और दोनों इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। गोपालपुरा में इनकाउंटर खत्म हो गया, वहाँ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ है सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। और पौमे में इनकाउंटर चल रहा है जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए, एक इनकाउंटर में 23 अभी भी फायर फाइट में लगा। और सीधे आपको कश्मीर घाटी लिए चलते हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बड़ी कामयाबी है, 5 देश के दुश्मन कर दिए गए हैं ढेर, और ऐसा लग रहा है कि 2 साल की ये जो मियाद तय की गई है आतंक के सफाए की कश्मीर घाटी से, उस तरफ बहुत तेजी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रही। देखिए बिल्कुल समीर सही, बैक टू बैक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस घाटी में देखने को मिल रहे हैं, और ये आंकड़े जो है इस साल अब तक 140 के पार कर चुके हैं। और कल भी कुलगाम में जिस तरह हमने पम्बे और उसके बाद गोपालपुरा में बैक टू बैक 2 बहुत महत्वपूर्ण मुठभेड़े देखी, जिसमें आफताब सिकंदर टीआरएफ का जो टॉप कमांडर है वो भी मारा गया। फिलहाल जो 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, इसमें हालांकि 4 की आधिकारिक पुष्टि हुई कि वो स्थानीय है, और एक और जो मिलिटेंट है उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन करनी बाकी है। लेकिन बड़ी कामयाबी इसलिए भी क्योंकि साउथ कश्मीर में खासतौर पर जिस तरह मिलिटेंट सक्रिय थे और उसके बाद श्रीनगर में बैक टू बैक जो आम नागरिकों पर हमले देखे जा रहे थे, उसके चलते ये ऑपरेशन बहुत अहम थे और लगातार इनको इंटेंसीफाई किया जा रहा है और मिलिटेंट्स को एक के बाद एक मुठभेड़ में मारा जा रहा। हालांकि उन्हें आत्मसमर्पण करने का भी मौका दिया गया, लेकिन जो है में मुठभेड़ में उन्हें मारा गया। और कुल मिलाकर जिस तरह आईजीपी ने भी कहा कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो है लगातार इसी तरह जारी रहेंगे और इस पर सुरक्षा बल जो है यूनिफाइड ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, और इसी के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। नजर आप बना रखिएगा।